नमस्कार, खबर एक्सप्रेस के न्यूज बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं दीपक, आइए शुरू करते हैं महानगर की खबरों की ओर से। पार्थ चटर्जी को हटाया गया मंत्री पद से। पार्थ चटर्जी को मंत्री पद से हटाया गया। पार्थ चटर्जी को मंत्री पद से हटा दिया गया है। शिक्षक भर्ती घोटाले में मंत्री की गिरफ्तारी के 5 दिनों के बाद यह कदम उठाया गया है। पार्थ के सभी विभागों की जिम्मेदारी सीएम ममता बनर्जी खुद संभालेंगी। আর মমতা ব্যানার্জি তো বয়সে আমার থেকে বড়, কিন্তু আমার থেকে তো বড় জনপ্রিয় নেতা নয়, নইলে আমি ওনাকে হারাতে পারতাম। উনি আমার কাছে হেরেছে 1956। আমি রাজ্যপাল মহোদয় তো পারেন না, মন্ত্রিসভা থেকে খারিজ করতে পারে মুখ্যমন্ত্রী। আব চিনাক পার্ক মে ইডি কি ছাপেমারি। ईडी की नजर अब अर्पिता मुखर्जी के चिनाक पार्क स्थित फ्लैट पर है। इस दिन रॉयल रेसिडेंसी के बी ब्लॉक के 4th तल्ले पर ईडी की टीम पहुंची और छापेमारी अभियान चालू किया। इससे पहले अर्पिता के डायमंड सिटी और बेलगड़िया के फ्लैट से लगभग 50 करोड़ रुपए जब्त किए गए जा चुके हैं। एक नज़र जिलों की खबरों पर। मुर्शिदाबाद जिला DIFI की ओर से दुर्नीति के विरोध में और रोजगार की मांग पर 2 दिवसीय SGO ऑफिस अभियान चलाया गया। पहले दिन काथी महकमा जिला शासक के कार्यालय का घेराव किया गया। वहीं दूसरे दिन यानी गुरुवार को बहरमपुर, डुमकल, लालबाग और जंगीपुर में कार्यक्रम किए गए। हमारे आज मूल कारण हे पर আনিস খানের ইস্যু। আপনারা জানেন আনিস খানের ইস্যুকে নিয়ে যেভাবে আড়াল করার চেষ্টা করছে মমতা ব্যানার্জি সরকার এবং পুলিশ, যে দিয়েছে তার প্রতিবাদে আজকে আমাদের এসটিও অভিযান। আর চোর ধরো জেল ভরো, আপনারা দেখতে পেয়েছেন যেভাবে দুর্নীতি চলছে। শিক্ষামন্ত্রীর যারা ঘনিষ্ঠ বলে বান্ধবী বলে অনরারি 3-4 জন ধরা পড়েছে। আমরা দেখলাম এখন অবধি 52 কোটি টাকা বাড়ি থেকে বেরোচ্ছে। এখন তর্ক চলছে কোন জায়গা থেকে, টালিগঞ্জ এগোবে না বেলঘরিয়া এগোবে, এখনও টাকা গোনা চলছে। তাই এর প্রতিবাদে দুর্নীতিগ্রস্ত সমস্ত মন্ত্রীকে, আর কান টানলেই মাথা আসবে পার্থ মুখার্জির, আমরা মাথাকে চাইছি জেলে ঢোকাতে। মমতা ব্যানার্জিকে অ্যারেস্ট করতে হবে, মমতা ব্যানার্জিকে পদত্যাগ করতে হবে, তার প্রতিবাদে আমাদের এসটি অভিযান। मालदा में ओवरब्रिज पर वाहनों के खड़े रहने के कारण ट्रैफिक जाम की समस्या होती है। यहां तक कि अवैध पार्किंग के कारण दुर्घटना भी घट चुकी है। इस कारण जिला पुलिस और प्रशासन की ओर से ओवरब्रिज पर वाहनों की पार्किंग पर रोक लगा दी गई है। आइए नजर डालते हैं देश दुनिया की खबरों पर। संसद परिसर में सोनिया गांधी और स्मृति ईरानी के बीच नोकझोंक। स्मृति से सोनिया बोली, डोंट टॉक टू मी। केंद्र मंत्री का आरोप, कांग्रेस अध्यक्ष ने मुझे धमकाया। यू सैंक्शन द ह्यूमिलिएशन ऑफ द ट्राइबल लेगेसी ऑफ दिस कंट्री। सोनिया जी सैंक्शन द ह्यूमिलिएशन ऑफ अ वुमन इन द हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट। सोनिया जी सैंक्शन द ह्यूमिलिएशन ऑफ अ पुअर वुमन हु वाज सेंट टू द हाईएस्ट ऑफिस इन दिस कंट्री। एक नजर एंटरटेनमेंट की दुनिया पर। 50 रुपए के लिए सेलिब्रिटी की शादी में खाना परोसने से ड्रामा क्वीन का मुश्किल सफर, ऐसे तय किया राखी ने। अब धर्म और संस्कृति से जुड़ी खबरें। सावन का महीना वैसे तो भगवान शिव को समर्पित है, ऐसे में भगवान शिव के साथ माँ पार्वती की पूजा भी की जाती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इस माह में भगवान गणेश की पूजा भी विशेष फलदायी होती है। इनकी कृपा से जीवन की सभी बाधाएं दूर होती है। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। सभी विस्तृत खबरों के लिए देखते रहिए खबर एक्सप्रेस। नमस्कार।